नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देख रहे हैं TCS मेगा ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट 2020। दोस्तों, IT कंपनी की वजह से इंडिया में बहुत सारी नौकरियां मिलती है। इंडियन यूथ को चांस मिलता है कि वो अब्रॉड में काम कर सके, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी सीख सके। इन्हीं IT कंपनीज के द्वारा कुछ इंडियंस वर्ल्ड के लीडर्स भी बने हैं। IT इंडस्ट्री में TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडिया की नंबर वन मानी जाती है। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव में बीटेक, बीएससी, बीए, एमटेक, एमसीए जैसे ग्रेजुएट्स अपियर कर सकते हैं। साइंस वाले ग्रेजुएट्स और आर्ट्स वाले ग्रेजुएट्स दोनों ही अपियर कर सकते हैं। फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 5 जनवरी 2020। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस जॉब के लिए कौन कौन एलिजिबल है। इस जॉब के लिए बी बीटेक जो कि कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, सिविल और आईटी से बिलोंग करते हैं, वो सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो कि 2018, 19 या 20 के पास आउट होने वाले हों। बीए और बीएससी कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि 2019, 20 के बैच के हों। एमसीए वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उनकी ग्रेजुएशन में मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स का बैकग्राउंड रहा हो। कंप्यूटर साइंस, आईटी और सॉफ्टवेयर से एमएससी करने वाले कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मार्किंग क्राइटेरिया ये है कि 10वीं से लेकर के अभी तक का जो कुछ भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहा है, हर एक में 75% से ज़्यादा होना चाहिए। बी और बीटेक ग्रेजुएट्स के लिए जिनका सेमेस्टर का सिस्टम है, उनका 7.5 से ज़्यादा का सीजीपीए रहना चाहिए सारे ही सेमेस्टर्स में, और किसी तरह का एरियर यानी कि बैकलॉग नहीं रहना चाहिए। अगर किन्हीं की एजुकेशन में ब्रेक किया गया है तो वो 2 साल से ज़्यादा का ब्रेक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वैसे कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। एज क्राइटेरिया है मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स। चलिए अब देखते हैं टेस्ट का पैटर्न क्या होगा। TCS का ये मेगा रिक्रूटमेंट का ड्राइव है। TCS 4 प्रोफाइल्स में कैंडिडेट्स को रिक्रूट करती है। TCS इनोवेटर, TCS डिजिटल, TCS निंजा और TCS स्मार्ट। TCS इनोवेटर सबसे हाईएस्ट पैकेज वाले स्टूडेंट्स हैं जो कि जनरली IIT और NIT से पिकअप किए जाते हैं। ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कि डेवलपिंग का काम स्टार्टिंग से दिया जाता है, जैसे कि मॉड्यूल कोडिंग, डेवलपिंग ऑफ अ पैकेज एक्सेट्रा। नेक्स्ट आते हैं TCS डिजिटल। इनकी सैलरी TCS इनोवेटर से कम रहती है, अप्रॉक्सीमेटली 7 to 7.5 लाख तक का इनका पैकेज रहता है, और इन्हें जनरली उन कॉलेजेस से पिक किया जाता है जहाँ पे TCS ने अपनी अक्रेडिटेशन दी हो। इसके बाद आता है TCS निंजा, जहाँ पे कि 3.5 लाख का पैकेज मिलता है। और सबसे लास्ट में आता है TCS स्मार्ट। इस बार जो TCS एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, यह है NQT यानी कि नेशनल क्वालिफायर टेस्ट। ये एक ही टेस्ट है जिसमें सारे स्टूडेंट्स को गॉज किया जाएगा, और अगर कोई एक्सेप्शनली क्वालिफाइड स्टूडेंट है जिनके TCS एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए हो, तो फिर TCS इनोवेटर के लिए या TCS डिजिटल वाले पोजिशन के लिए उन्हें कंसिडर किया जाएगा। बेसिकली 3 स्टेजेस होते हैं सिलेक्शन के। सबसे पहला है रिटन टेस्ट जो कि जनरली 90 मिनट्स का होता है, फिर है टेक्निकल इंटरव्यू, तीसरा है HR इंटरव्यू। अगर टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं जैसे कि बी बीटेक या MSc, तो इनके लिए जो एग्ज़ाम होता है वो 2 स्टेजेस में होता है। पहली स्टेज में वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग, क्वांट, कॉम्प्रिहेंशन, इन चीज़ों को टेस्ट किया जाता है, और सेकेंड फेज में एक प्रोग्रामिंग का शॉर्ट एग्ज़ाम होता है। बाकियों के लिए रिटन टेस्ट होती है जिसमें वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट, DI ऐसे वाले टेस्ट होते हैं, फॉलोड बाय ईमेल राइटिंग या एसे राइटिंग का एक राउंड। इस टेस्ट के 1 हफ्ते के अंदर अंदर कैंडिडेट्स को नोटिफाई कर दिया जाता है कि उन्होंने क्लियर किया है कि नहीं ये राउंड। इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद आता है इंटरव्यू राउंड। यहाँ पे टेक्निकल एज वेल एज HR इंटरव्यू दोनों ही की जाती है। अब देखते हैं TCS का जॉब रोल क्या होगा। जो कोई भी कैंडिडेट्स को इस जॉब में अब्जॉर्ब किया जाएगा, उनको BFS, लाइफ साइंस, कॉग्निटिव बैंकिंग ऑपरेशंस में डाल दिया जाएगा। दोस्तों, TCS का जो जॉब है ये अक्रॉस इंडिया लोकेशन पे है। एग्जाम रीजन्स है बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे, नोएडा, गुड़गांव, कोचिन, कोलकाता, अहमदाबाद, भोपाल और भुवनेश्वर में। इस मास रिक्रूटमेंट ड्राइव में अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है 5 जनवरी 2020। इसमें किसी तरह का कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। एग्ज़ाम का डेट है 18 जनवरी और 25 जनवरी।
आप डायरेक्टली TCS के वेबसाइट पे जा कर के, जो कि है www.tcs.com/career, में जा कर के इस एप्लीकेशन को भर सकते हैं। अब देखते हैं कि अगर आप फ्रेशर हैं तो क्या क्या स्किल्स होते हैं जो TCS खोजती है स्टूडेंट्स में। सबसे पहला है प्रोग्रामिंग स्किल्स, बिजनेस कल्चर की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, प्रोफेशनलिज्म यानी कि अटायर में प्रोफेशन, बातों में प्रोफेशन और प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग। सेकेंड है कुछ प्रोग्रामिंग स्किल्स अगर आपने पहले से ही अच्छी से सीखी हुई हैं तो ये काफ़ी प्रेफरेबल है, जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन एक्सेट्रा। तीसरा है कम्युनिकेशन स्किल, IT इंडस्ट्री में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चौथा है एनालिटिकल एंड लॉजिकल एबिलिटी, पांचवा है टीम वर्क, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रिलोकेशन यानी कि इंडिया में किसी भी लोकेशन पे काम करने की इच्छा हो। अब देखते हैं दोस्तों TCS के बारे में कुछ चीज़ें। दोस्तों इंटरव्यू राउंड में ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि जिस कंपनी को आप ज्वाइन कर रहे हो आप उसे क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन अस, वॉट डू यू नो अबाउट TCS, इस तरह की बहुत सारी क्वेश्चंस पूछी जाती हैं। तो इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। TCS इज एन एब्रिविएटेड फॉर्म फॉर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1968 बाई JRD टाटा एंड FC कोहिल। द हेडक्वार्टर्स ऑफ TCS आर इन मुंबई महाराष्ट्र। इट ऑपरेट्स इन नियरली 46 कंट्रीज। इट इज़ द फर्स्ट इन इंडिया एंड नाइन्थ लार्जेस्ट IT सर्विस प्रोवाइडर इन द वर्ल्ड। इट वॉज रैंक्ड 64th रैंक इन फोर्ब्स मोस्ट इनोवेटिव कंपनी एंड इट हैज़ बीन अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी सिंस अगस्त 2015। नाउ आई शैल विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्ज़ाम। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई और क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और TCS एग्ज़ाम में क्या क्या टेक्निकल क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं वो सारी चीज़ें हमने बहुत सारे वीडियोस में कवर किए हैं, जो कि आपको इसी चैनल में मिलेंगे। डू चेक आउट देम टू। फाइनली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।